अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाज़िश। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस। हैव अ लुक। इट्स सो यम्मी, सो यम्मी। तो आप लोग जरूर ट्राई करिए इसको। और ये तो चुटकियों में तैयार होने वाली राइस है और जल्दी से हमें वेट नहीं हो रहा। मैं स्टार्ट करती हूँ। इसकी रेसिपी के लिए आपको देखना पड़ेगी पूरी वीडियो। तो सब लोग तैयार हैं इतनी बढ़िया से राइस खाने के लिए? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ लिए हैं उबले हुए चावल। फ्राइड राइस के लिए उबले हुए चावल ही चाहिए होते हैं। और अगर आपके पास ये रात के बचे हुए चावल हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है और आप बनाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसा करिए कि आप जब भी चावल बॉईल करिए और बॉईल करने के बाद इसे 2 घंटे तक रखिए। 2 घंटे के बाद ये स्टिकीनेस छोड़ देगा और एकदम ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप अगर करना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राइड राइस बनेंगे खिले खिले। तो आप जब भी कभी चावल यूज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने उबले हुए चावल लेना है जो थोड़े टाइम बाद पहले बने हों। सपोज़ माने 2-3 घंटे का फ़र्क तो होना ही चाहिए। फ़ौरन उबाल के आप ना बनाएं, वो स्टिकी स्टिकी से बन जाएंगे और वो चिपके चिपके से अच्छे नहीं लगेंगे। खाने में भी मज़ा नहीं आएगा और देखने में तो आएगा ही नहीं मज़ा। देख रहे हैं कि कुछ वेजी हैं, शिमला मिर्च रेड और ग्रीन, और हमने लिया है यहाँ पर 2 टमाटर, ठीक, और 1 प्याज मीडियम साइज़ की, और 3 हरी मिर्चें ली हैं। मैंने कट कर लेंगे तो इसे पहले साइड रखते हैं। 1 प्लेट में आप साइड रख दीजिए। अब मैं कट कर लूँगी इन्हें। साथ ही मैं लूँगी थोड़े से लहसुन, तो पहले इन्हें पील ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ले लीजिए, और इसमें हमने डालना है ऑयल, तो हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। और ऑयल जैसे हीट होता है, हम उसमें डाल लेंगे अपना गार्लिक, लहसुन डालेंगे, लहसुन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस ऐसे हल्का सा सॉटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, शिमला मिर्च, ग्रीन वाली भी डाल देंगे और थोड़ा सा सॉटे करेंगे। ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश होती है और बहुत मज़ेदार लगती है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ग्रीन चिली,
हमारी पैची हो गई है देखिए, और हमें इन्हें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, अब टाइम हो चला है हमने अपने चावल डालना है इसमें, तो हमने चावल अपने डाल दिए हैं ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा इन्हें सॉटे करूँगी, इस तरीके से हमने चलाना है और मिक्स करना है। आज मीडियम रखिएगा। मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा सोया सॉस, एक चम्मच के हिसाब से मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े से ही डालूंगी। फ्राइड राइस सबके बहुत पसंदीदा होते हैं। यहाँ मैं एक चम्मच के हिसाब से ही थोड़ा सा वाइट सिरका भी डाल दिया है। और यहाँ एक चीज़ और मैं डालने जा रही हूँ, ये है मैगी का मैजिक मसाला। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं और कोई से भी ब्रांड का ले ले, और इसमें से ये सिर्फ हम डालेंगे दो चम्मच, तो हमने इसी चम्मच के हिसाब से दो चम्मच हमने डाल दिया है। और ये हमारा फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो आप लोग भी दोस्तों घर पे ये ज़रूर ट्राई करिए। ये गर्मा गर्म फ्राइड राइस रेडी हैं, और ऊपर से मैं छिड़कूंगी इसमें वही हमारा मैजिक मसाला, थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल दूंगी ऐसे करके। यस, चुटकी भर डाल देंगे तो और फ्लेवर खुल जाता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।